नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आपको याद होगा कुछ समय पहले मुंबई में, मुंबई के पास इलाके लोखंडवाला के वेलस्कॉट टावर की 10वीं मंजिल पर एक बंद फ्लैट में 63 साल की एक महिला का कंकाल मिला था। और जिस समय वो कंकाल मिलता है, आसपास के इलाके में क्या पूरे मुंबई में उसकी चर्चा होने लगी थी। और इस चर्चा की एक वजह और थी, ये उस माँ का कंकाल था जिसके बेटे ने पिछले कई दिनों से उससे बात नहीं कही थी, कोई बातचीत नहीं हो रही थी, इसीलिए उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। ये आशा की कहानी थी जिनके पति केदार साहनी की मौत 2013 में हो चुकी थी। और घटना की सूचना महिला के बेटे ने पुलिस को दी और मौके पे जब कंकाल मिलता है, बेटा पहुंचता है, तो अब न जाने उसको उस चीज़ का अफसोस हुआ होगा या नहीं, लेकिन इसने एक चीज़ इस्टेब्लिश की कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बच्चों से दूर हैं और माता पिता उन्हें परेशान नहीं करना चाहते, जहाँ बच्चों की कुछ ऐसी मजबूरियां हैं जो अपने माता पिता को रख नहीं सकते। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि पिछले करीब काफ़ी दिनों से उस बेटे की माँ से बात नहीं होती, वो बेटा जो जिसके लिए माँ बाप ने बहुत कुछ किया था, US में IT इंजीनियर था, परिवार भी उसका अपने पास था, और जब पुलिस बताती है तब वो आता है और उसे मिलता है माँ का कंकाल। इसको अगर सामाजिक दृष्टिकोण से मैं बात करूँ तो बड़ी लंबी इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसी ही एक घटना लंदन में भी हुई है जो दिल को झकझोर देने वाली है। एक लड़की जिसकी उम्र करीब ऐसी होती है 35-36 साल की, उसका नाम जोएस कार्ल विंसेंट था, पिता का नाम लॉरेंस था और लॉरेंस कॉरपोरेटर में काम करते थे। जोएस की पत्नी भारतीय मूल की थी। जोएस 5 बहनों में सबसे छोटी थी और सबसे छोटे होने के नाते उसको बहुत सारा प्यार मिलता है। और लेकिन अचानक एक दिन उसे एक रहस्य पता चलता है अपने परिवार के बारे में। ये कहानी जॉयस विंसेंट की मौत के रहस्य की कहानी है, जो 12 साल बाद भी अच्छे अच्छे लोगों की होश उड़ाने के लिए काफ़ी है। 38 साल की जॉयस की लाश उसके फ्लैट पे मिलती है। आखिर है नहीं हैरानगी की बात कि 3 साल तक एक युवती कहेंगे क्योंकि उसकी उम्र अभी 35-36 साल की है, और वो एक ही सोफे पे बैठी रहती है। मैं आपको पूरी बात बताती हूँ, तब आप समझ पाएंगे कि वो कैसे एक ही जगह पर एक ही सोफे पे लगातार 3 साल तक बैठी रहती है। दरअसल 19 अक्टूबर 1965 को जॉयस का जन्म लंदन में होता है और उसका बचपन बड़ी परेशानी में गुजरता है। किसी तरीके से जॉयस ने अपनी पढ़ाई पूरी की। कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद जॉयस को अच्छी नौकरी मिल जाती है। उसने अकाउंटेंसी की पढ़ाई की थी, लिहाजा उसकी तनख्वाह भी अच्छी थी। जॉयस की कोई आदत ख़राब नहीं थी, उसे कोई बुरी हैबिट नहीं थी, ना वो ड्रग लेती थी, ना ही किसी गलत काम में वो शामिल थी, और उसको एक तरह से एक अच्छी लड़की के तौर पे जाना जाता था। लेकिन उसके बचपन की कुछ यादें उसके साथ बहुत बुरी तरह से जुड़ी हुई थी, जिन्हें हम कहते हैं कि घरेलू हिंसा से जुड़ी हुई बातें अक्सर जॉयस को परेशान कर दिया करती थी। अपनी दुश्वारियों को लेकर जॉयस ने अस एंड यंग कंपनी में नौकरी शुरू कर दी थी, जहाँ नौकरी पाके वो काफ़ी खुश थी, अच्छी सैलरी मिल रही थी।
2000 से 2001 में जॉयस ने इस कंपनी से इस्तीफा दे दिया और उसने दफ्तर में बताया कि वो काम नहीं करना चाहती, अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाना चाहती है। कुछ दिनों में एनजीओ में जॉब करने के बाद उसने एक छोटे से होटल में नौकरी शुरू कर दी। उसी होटल के पास एक छोटा सा रूम ले लिया और एक सिंगल रूम सेट था जिसे स्टूडियो फ्लैट भी कहते हैं, बेहद सस्ता सा था, जहाँ पर ज़्यादातर लोग ड्रग एडिक्टिव किस्म के लोग रहते थे जो कम आमदनी के चलते इस इलाके में रहा करते थे। इस अपार्टमेंट में जॉयस का कमरा सबसे कोने वाला था। नौकरी के साथ साथ जॉयस ने एक हाउसिंग स्कीम ले रखी थी जिसके चलते उसके बिल, पानी जैसे जो खर्चे थे वो सब उसमें से डेबिट हो जाते थे। जॉयस की ज़िंदगी ऐसे ही 2003 तक चल रही थी और 2003 के बाद जॉयस अचानक कहीं गायब हो जाती है। इस दौरान जॉयस को किसी ने देखा नहीं। 2 महीने गुजरते गए और जॉयस के घर के बाहर अखबारों के ढेर लग रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि जॉयस के कमरे की लाइटें जल रही थी, टीवी चलने की आवाज़ आ रही थी और धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और 2006 याद आता है। इस दौरान 3 साल में किसी ने जॉयस को नहीं देखा, ना ही जानने की कोशिश की। जैसा कि यहाँ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में होता है कि फ्लैट कल्चर में ज़्यादातर लोग एक दूसरे का ध्यान नहीं रखना, नहीं कहना चाहिए, किसी की ज़िंदगी में दखल नहीं देते। चूँकि 3 साल से जॉयस का 50% किराया और बिजली का बिल जा रहा था, लिहाजा मकान मालिक भी काफ़ी तसल्ली में था कि उसको पैसे तो मिल ही रहे हैं। दरअसल बाकी का 50% किराया जॉयस को देना होता था, लिहाजा 25 जनवरी 2006 में मकान मालिक ने जॉय की तलाश शुरू की। किराया बढ़ कर के बड़ी रकम हो चुका था, 3 लाख हो चुका था। अब मकान मालिक ने उस हाउसिंग स्टाफ की मदद से घर का दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश की और आखिर में उनको वो दरवाज़ा खोलना पड़ा। मकान मालिक के ज़रिए हाउसिंग स्टाफ के पास मास्टर चाबी मौजूद थी, फिर दरवाज़ा खोला गया और दरवाज़ा खुलने के साथ ही जो लोग वहाँ थे एकदम से कांप गए। दरवाजे के बिल्कुल सामने ही सोफे पे एक इंसानी कंकाल बैठा हुआ था। कमरा बदबू से भरा हुआ था, घुटन सी महसूस हो रही थी, टीवी चल रहा था और सोफे पे सारे क्रिसमस के गिफ्ट और एक शॉपिंग बैग पड़ा हुआ था। जॉयस के फ्लैट में खिड़की से रोशनी भी बड़ी कम आ रही थी, जिसके बाद हाउसिंग स्टाफ ने पुलिस को फ़ोन किया और जब जांच शुरू होती है तो इस घर से पुलिस को मेडिकल डॉक्यूमेंट मिलते हैं जिसके बाद लाश का पोस्टमार्टम किया जाता है। खुलासा होता है कि ये कंकाल किसी और का नहीं बल्कि जॉयस का है। जॉयस की मौत दिसंबर 2003 में हो चुकी थी, यानी कि 3 साल तक जॉयस की लाश सोफे पे ही बैठी रही। लेकिन लगातार टीवी चलता रहा, लाइटें जलती रही और किसी पड़ोसी ने उसकी कोई सुध नहीं ली। अब बड़ी समस्या वाली बात थी, मीडिया ने यह दर्दनाक खबर आने के बाद एक बहस छेड़ दी समाज में। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जब मुंबई के एक माँ का कंकाल मिलता है तो समाज में काफ़ी चर्चा हुई थी इस बात की। अब इस सब्जेक्ट पे भी, इस घटना पे भी ब्रिटेन में एक बहस छिड़ती है कि समाज किस ओर जा रहा है, जहाँ किसी को किसी की ज़िंदगी की कोई परवाह ही नहीं है, किसी से किसी का कोई सरोकार ही नहीं है। हैरानी की बात यह है कि 3 साल के बाद जॉयस के घर वालों ने कई चिट्ठियाँ लिखी लेकिन उसे पढ़ने वाली तो इस दुनिया में थी ही नहीं, तो उन चिट्ठियों को कौन पढ़ता। ये भी कहा जाता है कि जिस समय जॉयस की मौत हुई वह एक शख्स के साथ रिलेशन में थी, उसको डेट कर रही थी। पुलिस ने उस प्रेमी की तलाश की लेकिन काफ़ी मशक्कत के बाद भी वो मिलता नहीं है और जॉयस की मौत का जो एक कहना चाहिए पुलिस की नज़र में परफेक्ट रीज़न वो उसको नहीं मिल पाया। बहरहाल जॉयस की मौत की गुत्थी आज तक कई सारे सवालों के घेरे में उलझी हुई है, उसका सिरा किसी को नहीं मिला
और जो इसकी इस रहस्यमयी मौत से प्रेरित होकर के हॉलीवुड में ड्रीम्स ऑफ लाइफ नाम की एक फिल्म भी बनी थी। अपने यहाँ भी ऐसी बहुत सारी फिल्में बनती रहती हैं भारत में, और जिस तरीके से मैंने शुरुआत में जिक्र किया था मुंबई के लोखंडवाला इलाके में एक माँ की लाश मिलती है जिसकी उम्र 63 वर्ष होती है, जिसका बेटा ऋतुराज सहनी US में IT इंजीनियर है। जब उसको बुलाया जाता है तो उसके सामने माँ का कंकाल होता है। तमाम सारी ये जो खबरें हैं, ये जो घटनाएं हैं, ये एक लंबी बहस का विषय है। एक तो ये कि हम अपने बच्चे को क्या संस्कार दे रहे हैं, दूसरा हमारा बच्चा बाहरी समाज से क्या संस्कार ले रहा है, तीसरा कि वो हालातों के साथ किस तरीके से लड़ता है या उन्हीं हालातों के सामने वो सरेंडर कर देता है। दो तरह की मैंने घटनाएं आपके साथ जिक्र किया है। एक में बेटे के फर्ज की बात उठती है, और दूसरे में जो मैं जॉय की बात कर रही हूँ उसमें हालांकि कुछ भी पता नहीं है, लेकिन उस समय वो एक लड़के से डेट कर रही थी और उसी दौरान उसके साथ ये हादसा होता है। जिस समय जो है कि बॉडी मिलती है, काफ़ी सारे क्रिसमस के गिफ्ट उसके पास पड़े होते हैं, एक बैग पड़ा होता है, तमाम सारी चीज़ें इस ओर इशारा करती हैं कि वो अपनी रिलेशनशिप को लेकर के तो परेशान थी ही, लेकिन जो उसका पास्ट में, जो उसके बचपन में एक हादसा हो गया था उसके पिता के मौत के साथ जुड़ा हुआ, उसने उसकी ज़िंदगी में काफ़ी हलचल मचाई हुई थी। वो अक्सर जब अपने रिश्ते को देखती और अपने आप को उस जगह पे खड़े कर गए, एक कहना चाहिए कि वो उन दोनों घटनाओं में तुलना करती तो उसको लगता कि दुनिया कैसी है। और टीवी चल रहा है, लाइटें जल रही हैं, लेकिन बस बुझ गई तो जो है कि जिंदगी की रोशनी होता है ऐसे कभी कभी, लेकिन ऐसे जो घटनाक्रम होते हैं हमें बहुत कुछ सोचने को मजबूर करते हैं कि हमारा समाज की स्वरधारा है। जब ये घटनाएं होती हैं, इंक्लूडिंग मी, हम बहुत सारी चर्चाओं के लिए शो करते हैं, बहुत सारी बात करते हैं, और मैंने अपने रिपोर्टिंग के दौरान भी ऐसी बहुत सारी घटनाओं जब होती थी तो हम बहुत सारे खबरें ऐसी लिखते थे, कई लोगों से बात करते थे, साइकेट्रिस्ट से बात करते थे, तमाम तरह की मतलब हम स्टोरीज में इनपुट डालते थे कि लोग इन घटनाओं से सीखें। लेकिन कभी कभी लगता है कि ऐसी घटनाएं शायद हमारे समाज में हम और आप देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, जानते रहेंगे, और उनकी जो वजह है चाहे कुछ भी हो उस पर हम कभी गौर नहीं करेंगे। दोस्तों फिलहाल इतना ही। ये कहानी सुनाते सुनाते मैं खुद अपने आप को बड़ा अपसेट फील कर रही हूँ, इसलिए आपको जो भी जैसा भी ठीक लगे आप इस पर कमेंट करिए कीजिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।